तो आइए दोस्तों, इस पैच की प्लेइंग देख लिया जाए। पैच कैसे प्ले होगा। पहला ये तबला तरंग बजता है, तो ये आपको जब गाने को सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें बीट करना है। ऐसे है, उसके बाद में फिर ये चीज़ है, फिर उसके बाद जब आप सुनेंगे गाने को तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, और अपने हिसाब से बना भी सकते हैं कि किस हिसाब से हम तबले को रखें जो हमें बजाने में आसानी हो। और उसके बाद में दोस्तों वेस्टर्न का पैच आता है। वेस्टर्न का पैच ये है दोस्तों, कैसे प्ले होगा देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें प्री डिले लगा हुआ है, तो थोड़ा काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करने के लिए कुछ तो मतलब करना ही पड़ेगा, मेहनत वगैरह तो मल्टीप्लाई करके बजाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये पैच कैसे प्ले होगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें प्री डिले लगा हुआ है, तो इसके साथ में बीट करना है एक बार। कैसे, इसको बीट करने के बाद ये रगड़ यहाँ पर देना है, इसको है ऐसे ऐसे, फिर यही वाला इधर जाएगा। कैसे, ये बात ये होगा, उसके बाद फिर इस पर दो बार, इस पर एक बार, इस पर एक बार, ये नहीं के साथ चलेगा ऐसे, मतलब इसके साथ चलेगा ये वाला, सॉरी गलती हो गई, ये वाला इसके साथ चलेगा, ये अकेले ही रहेगा। कैसे रहेगा, एक बार इसके साथ, एक बार अकेले, फिर ये दोनों के साथ। ये कैसे, इस एक बार इसके साथ आया, इसके साथ पहले के साथ, ये एक बार अकेले ही आया, फिर उसके साथ इनके साथ ये बीट होता है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। कैसे, ये चीज़, और ये आपकी किम्बल हो गई। जब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा टिपिकल है। और अगला पैच है ये ढोलक, इसमें बजती है लेकिन मैंने तबला बजाया है इसमें, क्योंकि ढोलक के साथ ये तबला बजा सकते हैं आसानी से, और क्योंकि ढोलक इसमें कुछ मेरी समझ में नहीं आते तो तबला ही ज़्यादातर कोशिश करते हैं बजाने का। तो इसको कैसे बजाना दोस्तों देखिए,
इसको तो परमानेंट आपको ऐसे ही चलाना है, ये चीज, ये पहला, ये दूसरा। ये चीज़ अगर आपको इधर से बजाते नहीं बनी लेफ्ट से, तो अपने हिसाब से इधर बना लीजिएगा, जैसे भी आपको बजाते बन जाए। और ये कैसे, ये ऐसे, जैसे सिंपली ढोलक का बेस लगता है वैसे ही बजाना है। अगर आप ढोलक का बेस नहीं बजाना चाहते हैं तो केवल आप यही बजा सकते हैं ऐसे केवल। अगर आप तबला भी नहीं बजाना चाहते हैं और बेस भी नहीं बजाना चाहते हैं बाया, तो इनका वॉल्यूम जीरो करके केवल परकसन ही बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये त्रिकेट आपकी हो गई, ये त्रिकेट आपकी है, और ये आपका थोड़ा रोल लगा हुआ है, थोड़े इसमें स्नेयर और ये टॉम मिक्स है, ये ऐसे करिए। ऐसे करने के लिए तो चलिए अब हम इस पैच की एडिटिंग देख लेते हैं, और ये प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आएगा। तो चलिए अब हम इसकी एडिटिंग देखते हैं।